नैब से एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी सियासी गिरफ्तारी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने आमदन से जायद असासों और ऑफशोर कंपनी स्कैंडल में अब्दुल अलीम खान को तलब किया। दो घंटे की पूछगिछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल अलीम खान वजारत से मुस्ताफी। सीनियर सूबाई वजीर ने इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया। मुकदमात का सामना करूंगा, अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। नैब में पसंद नापसंद का कोई कानून नहीं। शवाहिद के हवाले से नैब को मुतमईन ना करने पर अलीम खान को गिरफ्तार किया गया। डीजी नैब, करप्ट अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तमाम मेगा करप्शन मुकदमात के मेरिट पर तहकीकात जारी हैं। डीजी नैब शहजाद सलीम। नैब को हर किस्म का रिकॉर्ड फराहम किया। अब्दुल अलीम खान हर कंपनी का टैक्स अदा करते रहे। कंपनी कानून के मुताबिक है, करप्शन की होती तो हमजा शहबाज की तरह अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू करते। वकील अब्दुल अलीम खान अजहर सदीक एडवोकेट का कहना है। अलीम खान की गिरफ्तारी, वजीर आला ने शाम 4:30 बजे मुशावरती इजलास तलब कर लिया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और दीगर वुज़रा एवान वजीर आला में फौरी तलब। कानूनी और सियासी पहलुओं पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इमरान खान को बनीगाला में अलीम खान की गिरफ्तारी से आगाह किया गया। वजीर आजम की अलीम खान को कानूनी रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। नैब को किसी भी शख्स को तलब और गिरफ्तार करने का इख्तियार है। नैब ने अलीम खान को तहकीकात के लिए हिरासत में लिया। कई बार नैब में पेश हुए लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई चीखो पुकार नहीं की। सूबाई वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान। अलीम खान की गिरफ्तारी पर नून लीग के कैंप में खुशी का समा। लीगी कारकुनान ने सर्विसेज अस्पताल के बाहर कायम कैंप में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अलीम खान गिरफ्तारी के बाद नैब हवालात मुंतकिल। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब हुकाम 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। वारिस अली जंजुआ नैब प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। आशियाना रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत की समाअत। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल से शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं। वकील शहबाज शरीफ, लीगी रहनुमा परवेज मलिक, राना मोहम्मद इकबाल, मलिक अहमद खान, ख्वाजा इमरान नजीर और मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर रहनुमा अदालत में मौजूद। नवाज शरीफ को PIC में मुंतकिल करने का फैसला। नवाज शरीफ को PIC में शिफ्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। PIC में शिफ्ट करके सब जेल करार दिया जाएगा। जराए दिल का इलाज सर्विसेज अस्पताल में मुमकिन नहीं, सरबरा मेडिकल बोर्ड महमूद अय्याज। तर्जुमान वजीर आला शहबाज गिल कहते हैं, नवाज शरीफ को अस्पताल से जेल मुंतकिल करने का फैसला नहीं हुआ। मेडिकल बोर्ड ने नई रिपोर्ट का मुआयना करना है। नवाज शरीफ के मुंतकली का फैसला मैंने नहीं, बोर्ड ने करना है। मुंतकली के बारे में महमूद अय्याज ही बेहतर बता सकते हैं। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान की गुफ्तगू, बोले के रिपोर्ट्स अभी तक नहीं दी गई। सेहत के हवाले से शदीद तहफ़ुज़ात हैं। माहिरे कल भी मुयस्सर नहीं किया गया। हुकूमत तिब्बी सहूलियात देने में नाकाम हो गयी। सर्विसेज में दिल का डॉक्टर तक मौजूद नहीं। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने का मुतालबा। मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल आमद। वालिद के लिए दोपहर का खाना ही साथ लाएं। किसी NRO के हक में नहीं है। अगर कोई कैदी बीमार है तो इलाज की सहूलियात उसका हक है। महाशी महाज पर नून लीग ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें छोड़ी। टैक्स के मामले पर अलीमा खान से कोई रियायत नहीं होगी। खौफ की बुनियाद पर टैक्स इकट्ठा नहीं हो सकता, एतमाद जरूरी है। वजीरे मुमलिकत हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब काबीना का इजलास 8 फरवरी को तलब। वजीर आला पंजाब उस्मान गुज़दार सदारत करेंगे। इजलास में भर्तियों से पाबंदी उठाए जाने का इम्कान। महकमों से मुतालिक अहम फैसले भी होंगे।
सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियाँ असलम इकबाल की सबनाबाद में खुली कचहरी, लोगों के मसाइल सुने, जल्द हल करने की यकीन दहानी। मियाँ असलम इकबाल कहते हैं ज़लाई हुकूमत के मसाइल हल करने की जरूरत है। यूसुफ रजा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी का यूसुफ रजा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोकने की मजम्मत, नियाजी सरकार पीपल्स पार्टी से खौफजदा है, झूठे वादों और आवाम दुश्मन पॉलिसियों का ऑपरेशन करते रहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। दूध में मिलावट की शिकायत या भटक गई रास्ता, नैब दफ्तर के बाहर भैंसों की यलगार, दरवाजे के बाहर बेफिक्री से मटर गश्त, एक भैंस की तो अंदर जाने की भी कोशिश, एहलकारों ने दरवाजे से हटाया। सानह साहिवाल हुकूमत और लवाहिकीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार, जेआईटी की तफ्तीश में शामिल नहीं होंगे। वक्तूल खलील के लवाहिकीन सानिया की शफाफ तहकीकात के लिए एक बार फिर जुडिशियल कमीशन का मुतालबा। मानसून से कबल ड्रेनों की सफाई, भारी मशीनरी के जरिए सिटी ड्रेन से मिट्टी निकालने का अमल जारी, एलओएस और गुलबर्ग ड्रेन की सफाई का अमल भी जारी। सेहत कार्ड से आवाम को रिलीफ मिलेगा, कैंसर और एंजियोप्लास्टिक समेत दीगर अमराज का मुफ्त इलाज होगा, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास, सेहत सहूलत प्रोग्राम का जायजा। लाहौर में 9 मार्च से पीएसएल का मेला, पाकिस्तान सुपर लीग के शानदार इनाकात के लिए 10 रुकनी इंतजामी कमेटी तश्कील, कमिश्नर कन्वीनियर और लॉर्ड मेयर डेप्टी मेयर कन्वीनियर होंगे। कमिश्नर की जेर सदारत आला सतह का इजलास, वासा, लेस्को, बल्दिया उज़्मा, सुई गैस और दीगर अफसरान की शिरकत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला फजील। और शहर गुल का मतला, जुज़वी तौर पर अबर आलूद सूरज और बादलों की आंख मचोली, सुबह सवेरे बारिश, डेविस रोड, पीको रोड, जेल रोड, टाउनशिप और उर्कोट लखपत में बूंदाबांदी, फजा निखर गयी, वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई।